गुड मॉर्निंग। आज बड़े कोरे रह रहे हो। नमस्कार आपको। नमस्कार। शक्ति प्रदान करे परमात्मा आत्मा। क्या पीछे देखो दोनों। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते हैं। सो गाइस वेलकम बैक अगेन और ऑल सेट फ्रॉम माय साइड। मैं तैयार हो चुका हूँ और मैं उस मंजिल की तरफ निकलने वाला हूँ जिसका ड्रीम मैंने काफ़ी टाइम से किया था। शंखपाल जैसा मैं आपको बहुत से बोल रहा हूँ। कल रात वी हैड अ गुड नाइट। हमने अच्छी एक नाइट स्पेंड की इन पटन टॉप। यहाँ पर आई थिंक नीलकंठ का रिजॉर्ट्स है। हमने रिजॉर्ट्स तो लिए थे लेकिन वी हैड आउटिंग इन द टेंट्स में हमने किया। वेल ऑसम नाइट, लाइक नाइट कह सकता हूँ उसको या नहीं कहूँ पता नहीं, बिकॉज वी स्लेप्ट एट अराउंड 3 o'clock और फिर 6 o'clock अगेन वी आर रेडी एंड ऑल सेट। गाइज मैं आपको आज शंखपाल ले जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा ऑसम व्यू देने वाला हूँ वहाँ से। और एक्चुअली आप सब जानते भी हैं कि मेरी मोहब्बत इन पहाड़ों से है और मैं जितने बार इनको चढ़ता हूँ मुझे लगता है शायद मेरी मोहब्बत अभी भी अधूरी रह गई है। देखता हूँ कि आज मैं अपनी मोहब्बत में कामयाब होता हूँ या नहीं होता हूँ। मेरा इश्क जो है वो भगवान चढ़ता है या नहीं चढ़ता है इस पहाड़ों से। या बट आई हैव अ नाइस लिट ऑफ कंपनी लाइट मेरे साथ में है तो डेफिनेटली इन्जॉय लॉट। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं सनासर में और सनासर से जो है यहाँ से अब ये यहाँ का रास्ता जो है आगे इट विल रीच सनासर। एक अच्छा काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है। लोग प्रेफर करते हैं विंटर्स में समर्स में ऑल टाइम एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ऑल्सो। लेकिन हम सनासर नहीं जा रहे हैं। सनासर के ही रास्ते में ही यहाँ से हम जो है इस पहाड़ी को कवर करेंगे एंड विल रीच शंखपाल जाएंगे। वी आर ऑल ट्रैक देयर। जो लोग मेरे वीडियो में नए हैं या जिन्होंने जो बाहर से हैं डू नॉट नो अबाउट शंखपाल की कहाँ पर है तो मैं बता दूँ उनको, जम्मू कश्मीर में उधमपुर से आप आ रहे हैं अगर आप लोग उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप पटन टॉप आ रहे हैं तो पटन टॉप से सनासर के लिए एक टर्न आता है। सनासर का रास्ता पकड़ेंगे आप लोग एंड उसके बाद सनासर के वे में क्रॉसिंग नाथर टॉप के बाद है यू कैन रीच दिस पॉइंट। यहाँ पर एक फेमस टेम्पल है शंखपाल जी का। शंखपाल जी के बारे में, शंखपाल जी देवता हैं, यहाँ पे कुल देवता हैं तो शंखपाल महाराज जो है यहाँ के कुल देवता हैं तो उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और आपको भी बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस जर्नी बिगिन कर चुके हैं हम लोग। अभी तो इनिशियल ट्रैक है, ये तो काफ़ी नॉर्मल है कहते हैं अभी इस टाइम पर। शुरुआत में आपको यहाँ पे एक्चुअली पाथवे भी मिल जाएगा, पगडंडी भी से बोलते हैं, मगर आगे जाकर सुना है कि ये भी नहीं होगा। देन वी हैव टू फाइंड आउट आर ओन वे। पहाड़ों में माउंटेनिंग जब करना है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पास पानी होना चाहिए। यू नीड टू बी हाइड्रेटेड, डिहाइड्रेशन ना हो जाए। थोड़ा बहुत स्वीट कुछ खाने के लिए ज़रूर रखें आप लोग। तो विद दिस यू नो उम्मीद के साथ में वी स्टार्टेड जर्नी और होपफुली वी विल फिनिश ऑन टाइम, कम बैक ऑन टाइम ऑल्सो। ऑन द वे बहुत सारी ब्यूटीफुल सीन्स होंगे, आई डेफिनेटली शेयर विद यू। सी हमारे
बाकी के ट्रैकर्स कितने पीछे रह गए हैं। यू कैन सी हियर, आप इन्हें देखिए जरा, दिस वन एंड जोशना आगे आगे आ रही है एंड बाकी फोटो शूट कर रहे हैं एंड सम ऑफ द ट्रैकर्स आर हियर द रीच्ड। सी दीज आर द टेम्पररी शेल्टर्स, ये यहाँ पर जो गद्दीज गुज्जर्स एंड बकरवाल आते हैं ना, तो ये कहते हैं कि उनके शेल्टर्स होते हैं। सर सो गाइस, अब मन कर रहा है कि थोड़ा सन बात ले ले, और सन ऑलवेज रिमेन एनर्जी सोर्स रहता है। गर्मी हो चुकी है, स्वेटिंग हो रही है और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिया मैंने, एनर्जी भी बूस्ट किया है एंड सम ऑफ आवर टीम मेंबर्स हैव ऑलरेडी रीच सम पार्ट, कुछ काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। आई हैव टेकन सम ब्रेक, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि 2022 में मैंने कहा था कि लास्ट ईयर वॉज वेरी वेल, बट 23 वन बिगैन विद मैनी ड्रीम्स, और बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हुए हैं। मैं थैंक करता हूँ 2023 को, जिसने मेरे बहुत से ड्रीम्स पूरे किए। क्या बोलूँ आपको, मैंने हर वो मंजिल हासिल कर ली जिसकी मुझे ज़रूरत थी, जिसकी मुझे चाहत थी, जिसके लिए स्ट्रगल था। इनमें से कई मंजिल ऐसी थी जिसको मैंने कई कई साल तक, सात साल तक, पाँच साल तक, दो साल तक जिसको मैंने ड्रीम किया था। 23 ने मुझे वो सब ड्रीम जो है वो मेरे पूरे किए। आई थैंक्स 2023, आई होप करता हूँ कि 24 इससे भी अच्छा निकलेगा। और शायद मैं सोचता हूँ कि जिन चीज़ों को मैंने हासिल किया है, जिन मंजिलों में पहुँचा हूँ, मैं उसके साथ जस्टिस कर सकूँ, निभा सकूँ उसके साथ। और मैं एक मतलब जो कुछ पाया मैंने, मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ, और आपका साथ चाहिए मुझे इसके लिए। आई नीड योर फुल सपोर्ट। सो लेट्स पैक द बैग नाउ, इनफ हो गया लिस्ट। ज़्यादा रेस्ट में करता भी नहीं। सो गाइस, दिख गए हमको सामने वो शंखपाल का पीक, दिख गया सामने यहाँ पर। और लेट जूम, तो ये रहा यहाँ पर इस जगह पर, यू नो यू हैव अ शंखपाल। और हमें अभी यहाँ से जाना है, लाइक वी हैव टू कवर, ये जा रहे हैं सामने, वो देखिए सामने उस तरफ में टॉप में, वो वहाँ पे जो दिख रहा है आपको, वहाँ से हमने होते हुए वो पहाड़ी को क्रॉस करना है एंड देन फाइनली रिच देयर। ग्लिम्सेस ऑफ शंखपाल देखने के बाद एक एनर्जी अलग से और आ गई है, मगर अभी भी मैं बोलूँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना है, बहुत ट्रैवल करना है। वो सामने हमारे जो गाइड हैं पहुँच गए हैं, ये सामने जोशना जा रही है, और ये हमारी मोनिका मैम साथ में यहाँ पहुँच चुके हैं, और कुछ टीम पीछे रह गई है, बट ठीक है। अब मुझे ये डिस्टेंस साथ साथ में मुझे मोमेंट भी कैप्चर करने हैं, तो मैं इन बिटवीन ही हूँ, बट विल रीच। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं इस जर्नी को मेरे साथ में, वंडरफुल जर्नी है। क्या बोलूँ, वर्ड्स नहीं रहे। ये तो तय है ना कि अगर आपने कुछ चीज़ें डिसाइड कर ली लाइफ में कि मुझे करना है, तो वो होके रहेंगी,
और पता नहीं मुझे गट फीलिंग आ रही है। गट फीलिंग क्या आ रही है कि मैं जो भी कर रहा हूँ साइड वो हो रहा है, जो चाह रहा हूँ वो हो रहा है। बहुत कुछ चाहता हूँ, वक्त के साथ साथ बताऊँगा आपको मैं। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सो गाइस, वहाँ से उस जगह से जहाँ ऊपर पड़ी है वहाँ से यहाँ आते आते काफ़ी टाइम लग गया। लाइक दिस वाज द फाइनल जो इसका ट्रैक है ना, जो ट्रेल है, वो काफ़ी स्टीप क्लाइम से आ रहा है। और मोर ओवर वो ही नहीं है, एक तो ऐसा है कि लाइक एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है और दूसरा जगह में थोड़ा सा कांटे पड़े यहाँ पे और रास्ता बहुत संकरा है। जैसे पीछे था वाइट सा, ऐसा नहीं यहाँ पे। एंड अभी भी मुझे लाइक ये वाला क्लाइम नहीं है, ये क्लाइम करने के बाद मुझे वहाँ वाले पे वो टार्ट वन वहाँ पे जाना है। सो स्टिल क्लाइम थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अब तो हो गया, पहुँच गया है। वो देखिए सामने दिख गया शंखपाल, अभी भी दूर है, अभी भी नज़दीक नहीं है, बट वी हैव टू सम एक्सटेंड हम लोग शायद पहुँच ही गए हैं। बस हमेशा ऐसा लगता है कि पहुँच गए। पहाड़ है ना, हमेशा एक नया होराइजन आपके लिए दे देगा। ये देखिए हमारे ट्रैकर, वंडरफुल। सो गाइज, हम फाइनली पहुंच गए हैं बहुत नज़दीक। और यहाँ पर ना
जी देख रहे हैं नीचे आप सामने, ये स्टेप्स यहाँ पे आए हुए हैं। डेफिनेटली शू के स्टेप्स तो है नहीं ये, ठीक है। यहाँ रियली खतरा रहता है कि यहाँ पे बियर जो है भालू अक्सर रहते हैं यहाँ पे, और उनकी पहचान क्या रहती है कि किस स्टेप्स जो होते हैं ना वो, लाइक अगर एक स्टेप यहाँ चल रहा है ना तो दूसरा भालू का स्टेप जो है वहाँ चल रहा होगा नीचे को। और यहाँ पे जगह जगह दिखाई दिया है हमको, और डेफिनेटली देख सकते हैं आप यहाँ से भी। वहाँ दूर मुझे ना वाइल्ड फॉक्स दिखाई दिए, वो जो स्टेप्स थे ना, जो छोटे छोटे स्टेप्स थे, जो बड़े स्टेप्स थे वो तो 100% बियर के होंगे, पर स्मॉल स्टेप्स जो थे वो वाइल्ड बियर के थे, सॉरी वाइल्ड फॉक्स के थे। यहाँ पे लोमड़ी दिख रही है, यहाँ दूर मुझे दो फॉक्स दिखाई दिए, वाइल्ड फॉक्स, यू नो, और मुझे देख के भागे हैं वो, मुझ तक पहुँचते पहुँचते वहाँ तक और भाग जाएंगे। लेट अस सी, वो देखो, अरे वो देखो, वो देखे, वो भाग रहे हैं, दे आर रनिंग देयर। अगर आप दिख रहा होगा आपको, दैट्स दे आर रनिंग देयर। ओह माय गॉड, वो देखो दूसरा वाला, पता नहीं कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा, मगर वो भागते हुए जा रहे हैं। वंडरफुल, वो इकट्ठे हो गए, देखो। आई डोंट होप कि जूमिंग कर पाए उतना मैं, बट वो अभी भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ से। ह्यूमन स्मेल देखो यहाँ से उनको, व्हेन आई वाज देयर, जब मैं वहाँ था ना उस तरफ उस ढोक के पास था, तो वहाँ से दे स्टार्टेड यू नो स्मेलिंग मी। चाई जहाँ वो कुछ बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, काइट और साथ में क्रो। सो गाइस फाइनली शंखपाल पहुंच गए। वाह, जय शंखपाल महाराज की, शंखपाल महाराज की जय। डन इट, कर दिया फिर से। ओह या, आई डन इट अगेन। माई एक्साइटमेंट, बरसों का सपना पूरा हुआ, लाइक ड्रीम फुलफिल। अब यहाँ आने के बाद लगता है कि अब मंजिल ही चाहिए नहीं, कुछ नो मोर जर्नीस, ऑल जर्नी एंड्स हियर। शंखपाल दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं। Sure, sir, sure. Why not? लाइक शंखपाल फॉर द पास्ट 3 ईयर्स मेरा ड्रीम था
मैंने कई बार अटेम्प्ट भी किया कि यहाँ आऊँ, फ्रेंड्स को भी कहा कई बार कि वो मेरे साथ यहाँ आए, बट कहते कि किसी ने यहाँ आने का कोई मतलब मन नायन था दनाई सौ द वाइल्ड सेपियंस का एक पेज देखा मैंने एंड आई सॉ दैट कि यू आर गोइंग टू संगपाल. तो आई थैंक्स वाइल्ड सेपियंस स्पेशली मोनिका मैम फॉर अरेंजिंग द सच अ टूर. लाइक मैं आज ये अपनी ड्रीम पूरी कर पाया. शंखपाल रियली में कहते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है और वाइल्ड सेपियंस ने इसको इतना ईजी कर दिया मेरे लिए कि मैं तो सोचता हूँ कि शायद अब जितने भी ड्रीम्स बचे हुए हैं मे बी कैलाश कुंड का है ना, त्रिन का है, डलहौजी का, जो भी है, जितने भी पीक्स है, अब सारे के पीक्स जो है कवर करने वाला हूँ मैं विद वाइल्ड सेपियंस. और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ लाइफ एक ही बार मिली है, लिव इट टू फुल. सो गाइस फाइनली वी मेड इट और हमने शंखपाल जी के दर्शन कर लिए. अब रिफ्रेश होते हैं, विल डू आर लंच ऑल्सो, यहीं पर बनाएंगे एंड ब्लॉग को यहाँ से एंड करना चाहूँगा मैं. गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. जय हिंद, जय भारत. आओ आओ चलते रहो भाई.